मेरा पहला दो बार इंटरव्यू हुआ और दोनों बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तीसरे बार में मुझे आईपीएस मिला और चौथे बार में आईएएस मिला। पर्टिकुलर टॉपिक का एक किताब आपने पढ़ा है, सेम टॉपिक का दूसरा किताब मत पढ़िए। जैसे हिस्ट्री के लिए आपने एक बुक उठाई है, आप हिस्ट्री का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके लिए आप एक सब्जेक्ट के लिए आप चार किताब पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा एक किताब को आप चार बार पढ़ लीजिए। देखिए, लाइफ बहुत प्रीटी बहुत रोजी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभी लाइफ बहुत क्रूअल भी होता है। फेसबुक खोल रहे हैं और फेसबुक में अगर आप बस फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं या फोटोज़ देख रहे हैं तो उससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा। आज भी अगर मैं कुछ गड़बड़ करूँ तो मम्मी या पापा डांट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, खासकर अगर आप मैरिड हो। अगर तो मेरी वाइफ थोड़ी समझदार है तो मुझे इस तरह की दिक्कत नहीं होती है कि कहीं समन्वय स्थापित करना पड़े। डेहरी सोन नदी के किनारे बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत अनुमंडल है। यहाँ पर मैं जब भी ऑफिस आता हूँ मैं देखता हूँ कि सोन नदी के किनारे पार्क्स बने हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मीडिया दर्शन पे एस्पिरेंट्स के लिए खास कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है एस्पिरेंट्स टू ऑफिसर। और आज एस्पिरेंट्स टू ऑफिसर के कार्यक्रम में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं समीर सौरभ सर, जो कि अभी डेहरी के वर्तमान में SDM है। और सर के बारे में थोड़ा सा बताते चलें, सर 2018 बैच के IPS भी रह चुके हैं और 2019 बैच के IAS हैं और अभी जो सर हैं ट्रेनिंग में हैं जो कि डेहरी में एज ए SDM। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए समय निकालें। थैंक यू सत्यम जी। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ही रहेगा कि आपके मन में कब यह विचार आया कि आपको सिविल सर्विसेज में आना चाहिए? जो हमारा सामाजिक परिवेश है उसमें ऐसा होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं स्कूल में तो आपके पेरेंट्स या आपके आसपास के लोग आपको पहले से प्रेरित करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपको सिविल्स की तैयारी करनी चाहिए। तो मेरे मन में ये ख्याल स्कूल के समय में आया था जब मेरे आसपास के लोगों ने बोला कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी की तरफ भी सोच सकते हैं क्योंकि एक जो है बहुत प्रेस्टिजियस जॉब होता है। तो मैं मानता हूँ कि स्कूल के समय से ही मेरे मन में थोड़ा ये ख्याल था। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप अपने प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कुछ बताइए जिससे आजकल का स्टूडेंट भी मोटिवेट होकर आगे चल के वे एक UPSC एस्पिरेंट बने। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पूर्णिया में हुई थी। मैं पूर्णिया शहर का निवासी हूँ तो 10वीं तक मेरी हिंदी माध्यम से पढ़ाई हुई। 11वीं और 12वीं में मेरी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम स्कूल में हुई भागलपुर में। उसके बाद मैंने IIT खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया और बस मेरे पास अभी तक हाईएस्ट डिग्री जो वो BTEC का है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने किया है। तो मेरी शिक्षा दीक्षा की एक प्रारूप यही है। सर अभी अभी आपने बताया कि आप IITian थे और आप IIT खड़गपुर से BTEC किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो ज़्यादातर ऑफिसर को देखा जाता है कि IITian होने के बाद भी वे सिविल सर्विस में आते हैं, ऐसा क्यों सर? देखिए IIT चूज़ करना, ये इसको मैं मानता हूँ ये आपका एकेडमिक डिस्कोर्स है। मतलब आप एकेडमी में क्या करना चाहते हैं, एकेडमिक लाइफ में क्या करना चाहते हैं। मुझे लग रहा था मैं शायद इंजीनियर बनना चाहता था, परंतु जब जॉब इंजीनियरिंग के बाद मैंने जॉब की तो मेरा करियर डिस्कोर्स में मुझे प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा अपीलिंग सिविल सर्विसेज लगा, क्योंकि यहाँ पे आकर के आप अपने क्षेत्र में आकर के जहाँ से आप पले बढ़े हैं उस सोसाइटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा था मेरे लिए। सर जब आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस दौरान आपकी रूटीन्स क्या थी? रूटीन एज सच बहुत स्ट्रिक्ट कुछ भी रूटीन नहीं रहता था, कि मैं कोई रोबोट तो नहीं था कि मैं एकदम सुबह इतने बजे उठ जाऊँगा और इतने बजे फिर पढ़ने बैठ जाऊँगा। तो सिंपल सा था कि ज़्यादा से ज़्यादा समय को पढ़ाई के लिए मैक्सिमाइज करना है और ये चीज़ फोकस रहता था कि अन्य चीज़ें जैसे कि मूवी देखना, सीरियल देखना, ये सब ना हो, ज़्यादा घूमना फिरना ना हो। घूमना फिरना हो, व्यायाम हो, खेलना कूदना सब हो, लेकिन सबका टाइम लिमिटेड रहे और ज़्यादा से ज़्यादा समय में पढ़ाई को दे पाऊँ। तो मैं ऑन एन एवरेज 9 से 10 घंटे दिन भर में पढ़ लेता था, बाकी उसके अलावा 6 घंटे 7 घंटे सोना और रेस्ट आवर्स जो आपका खाना पीना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, हल्का फुल्का बातचीत करना, सुबह जॉगिंग के लिए जाना, ये सब उसमें इंक्लूडेड था। 8 घंटा पढ़ते थे? 9 से 10 घंटा जाता था, कभी जब एग्ज़ाम के जस्ट पहले जब प्रेशर ज़्यादा रहता था तो कभी 12 घंटे भी हो जाते थे, बट ऐसा कभी नहीं था कि मैं 16 घंटे या 17 घंटे पढ़ता था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैक्सिमम मैं 12 घंटे एक दिन में दे पाया हूँ आज तक, और मिनिमम मैं ऑन एन एवरेज मिनिमम मैं 6 से 7 घंटे पढ़ लेता था, और ये जो है ड्यूरेशन एवरेज बैठेगा आई थिंक 9-10 घंटे, और वो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। 9 से 10 घंटे अगर आप दिन भर में पढ़ते हैं दैट इज़ मोर देन इनफ।
सर अभी आपने बताया आप दो बार यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो क्या यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करना आवश्यक है या बिना कोचिंग ज्वाइन किए भी यूपीएससी क्लियर करा जा सकता है? कोचिंग तीन लेवल पे होता है, एक प्रीलिम्स के लिए कोचिंग होता है, एक मेंस के लिए होता है, एक इंटरव्यू के लिए होता है। तो मैंने कोचिंग ली है, मैंने ली है इंटरव्यू के लिए, और मेरा एक ऑप्शनल होता है जो मेंस के लिए, उसके लिए मैंने कोचिंग ली। और कोचिंग में लोग जाके टेस्ट सीरीज की तैयारी भी करते हैं, जैसे टेस्ट पेपर लिखना, तो उस मायने में कोचिंग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मदद करता है। लेकिन जितने लोग सेलेक्ट होते हैं उसमें अगर आप एक परसेंटेज ऑफ पीपल देखेंगे तो आपको बहुत लोग ऐसे दिखेंगे जिन्होंने कभी कोचिंग का चेहरा नहीं देखा है और वो लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ कि हाँ, कोचिंग से थोड़ा फ़ायदा हुआ था जो मैं राइटिंग प्रैक्टिस करता था उसके लिए, लेकिन जो मेरे मित्र हैं जिन लोगों ने बिल्कुल भी कभी कोचिंग का चेहरा नहीं देखा और मुझसे बहुत अच्छा नंबर लाए, तो वो ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि बिना कोचिंग के भी आपकी तैयारी हो सकती है। तो दोनों तरीके के आपको स्कूल ऑफ थॉट आपको मिल जाएंगे इसमें। सर अभी आपने इंटरव्यू की बात की, और ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, बट इंटरव्यू में वे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो वैसे जो ये एस्पिरेंट्स हैं वे इंटरव्यू को कैसे फेस करें ताकि उनको इंटरव्यू में किसी प्रकार की परेशानी न हो? मैं आपको बताना चाहूँगा सत्यम जी कि मैंने 4 बार इंटरव्यू फेस किया यूपीएससी का, और पहले 3 बार में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। मैं उनके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मेंस के रिजल्ट के बाद आप 2 महीने इंटरव्यू की तैयारी कर पाएंगे, तो ये मेरे हिसाब से आप गलत है ये सोचना। क्यों? क्योंकि आपका जो पर्सनालिटी है वो ओवर द टाइम डेवलप होता है। तो आप एक काम करिए, आप ये मान के चलिए कि मैं यूपीएससी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहा हूँ, तो अपना स्टाइल उसी तरीके से आप बनाइए। तो जो मेरा आखिरी अटेम्प्ट था मैंने वही किया। मैं हर बार ये गलती करता था कि बस मैं इंटरव्यू के जस्ट पहले, जब मेरा इंटरव्यू इसके 1 महीने पहले मैं तैयारी स्टार्ट करता, तो उससे फ़ायदा हो नहीं रहा था। लेकिन जब मैं लास्ट बार, जब मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ यहाँ पे, तो उस बार मैंने पूरे साल मैं खुद को यही मान के चलता था कि मैं अगर इंटरव्यू में बैठूंगा तो मैं इस सवाल का जवाब ऐसे दूंगा, और एट द एंड उसका फ़ायदा मिला और मार्क्स भी उस साल पहले के कंपैरिजन में थोड़े बेटर आए। सर मेरा अगला सवाल भी इंटरव्यू से रिगार्डिंग रहेगा। आपने अभी बताया कि आपने 4 इंटरव्यू फेस करा है, और जो भी एक्सपीरियंस पहला इंटरव्यू फेस करते नहीं हो पाता, दूसरा इंटरव्यू में नहीं हो पाता, तीसरा इंटरव्यू में नहीं हो पाता है, तो मोटिवेट कैसे रह सके सर ताकि अगले इंटरव्यू के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो और फुल फ्लेज में जाकर अगला इंटरव्यू दे सकें? मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि मैं क्या करता था। मेरा पहला 2 बार इंटरव्यू हुआ और दोनों बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 3रे बार में मुझे IPS मिला और 4थे बार में IAS मिला। तो जो पहले 2 इंटरव्यूज थे उसके बाद प्रीलिम्स, जस्ट मेरा इंटरव्यू ख़त्म होता था, रिजल्ट आता था, और अगला साल का प्रीलिम्स के लिए बीच में टाइम नहीं मिलता था। तो मैं प्रीलिम्स तक, तो आपके पास क्योंकि टाइम नहीं है तो आपके पास रोने धोने के लिए भी टाइम नहीं है, तो मतलब आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है 18 दिन अगर आपने नहीं अच्छे से पढ़ाई की तो हो सकता है आपका अगली बार प्रीलिम्स ही ना क्लियर हो, जबकि आप इस साल के इंटरव्यू दे चुके हैं। तो मैं अपने आपको मोटिवेट इस तरीके से रखता था कि मैं मान के चलता था कि अच्छा थोड़ा सा कमी रह गया है, थोड़ा सा कमी रह गया और मेहनत करेंगे। और एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन इसको बोलते हैं कि अंदर से आना चाहिए, आपको बाहर से नहीं आना चाहिए कि अरे हम ये बन जाएंगे तो ये होगा वो होगा, नहीं, अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि हम कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर 800 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो 800 के 800 लोगों ने स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, और वो स्ट्रगल ही उनको एक मोटिवेशन देता है कि जब मैं यहां तक पहुंच सकता हूं तो मुझे एक स्टेप आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है। तो आज के जो एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो हिम्मत बांध ले, बस मेरा इस बार प्रीलिम इंटरव्यू तक गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बस हिम्मत बांध ले कि इस बार कर लेना है, उसका सिलेक्शन डेफिनेटली तय है। अगर हिम्मत टूट जाएगी तो वो नहीं कर पाएगा। तो हिम्मत बांधने के लिए आपको जिससे सपोर्ट मिले, आपके पेरेंट्स से मिले, आपके फैमिली मेम्बर्स से मिले, आपके टीचर्स से मिले, आपके सराउंडिंग से मिले, जिससे मिले, आप मोटिवेशन का सोर्स आप ढूंढिए और वहाँ से मोटिवेट होइए। मेरे लिए मेरी पूरी फैमिली थी मेरे साथ, उन लोगों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट रखा था उस समय, और फाइनली जाकर के फिर मैं सक्सेसफुल हो पाया इस एग्ज़ाम में। सर आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आपने 2017 और 2018 दोनों वर्षों के यूपीएससी एग्जाम आपने अपेयर करा है और उससे पहले भी आप किए हैं, तो सर 2017 और 2018 के सिलेबस में कितना कुछ डिफरेंस रहा है? सर 17 और 18 के सिलेबस में डिफरेंस नहीं था, बिल्कुल भी सेम था। सिलेबस का डिफरेंस 2013-14 के अराउंड हुआ है, जबकि पहले GS पे फोकस कम था और ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस होता था। अब क्या हो गया कि पेपर को इस तरह से रीओरिएंट किया गया कि जनरल स्टडीज, GS मतलब जनरल स्टडीज़, तो जनरल स्टडीज़ पे फोकस आपका ज़्यादा है, दैट मींस जो कॉमन सिलेबस है पूरे लोगों के लिए वो ज़्यादा है उसका वेटेज, और जो ऑप्शनल होता है उसके एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं तो उसका वेटेज कम है। ओवरऑल बाकी जो एक जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का वो ऑलमोस्ट सेम ही है अभी भी।
हाँ, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। पहले आपको सोच के लिखना होता था, आज के डेट में 20 सवाल होते हैं, आपको 3 घंटे में लिखना होता है। यू कांट थिंक अ लॉट वाइल यू आर राइटिंग, तो आपको बहुत फास्ट लिखना होता है। तो पहले से प्रिपरेशन अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छे से हो जाता है आपके लिए। सर, आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या पढ़ना है ये तो सभी को पता होता है, लेकिन एस्पिरेंट्स को क्या नहीं पढ़ना है इसको लेकर थोड़ा सा उन्हें सजेस्ट करिए। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली मैं अपने जूनियर्स या जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं सजेस्ट करता हूँ, उनको मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि क्या पढ़ना है ये तो आप तय कर लिए, ये बुक क्या नहीं पढ़ना है मैं बता देता हूँ कि जो एक पर्टिकुलर टॉपिक का एक किताब आपने पढ़ा है, सेम टॉपिक का दूसरा किताब मत पढ़िए। जैसे हिस्ट्री के लिए आपने एक बुक उठाई है, आप हिस्ट्री का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके लिए आप एक सब्जेक्ट के लिए आप 4 किताब पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा एक किताब को आप 4 बार पढ़ लीजिए, तो क्या होगा, आपका रिविज़न होगा। तो मैं यही बोलता हूँ क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप जो एक किताब अगर आपने पढ़ लिया तो उसी किताब को आप बेस मानिए, उसी को रिपीट करते चलिए, उसी को रिपीट करते चलिएगा तो फिर वो चीज़ आपका ग्रास्प हो जाएगा ज़्यादा अच्छे से। तो आपको जो बाकी बुक्स है, तो मैं एक सिंपल सा मैं अपने सारे जूनियर्स को एक सजेशन देना चाहूँगा कि एक किताब को आप 5 बार पढ़िए, ना कि 5 किताब को 1 बार पढ़िए, ये सिंपल रूल ऑफ थंब है। तो बाकी 4 किताब को आप हटाना है, बाकी एक किताब कोई भी जो आपको है। मैंने NCERT चूज़ किया था तो मैं NCERT पे स्टिक रहता था और NCERT पढ़ता था। इसके अलावा कुछ अदर टॉपिक्स थे जिसमें NCERT सफिशिएंट नहीं था, उसमें मैं अदर टॉपिक्स अदर बुक्स को रिकमेंड करता था उस समय। सर, 2018 के एग्जाम में आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि आप ऑलरेडी एक IPS ऑफिसर बन चुके थे, लेकिन यदि आप 2017 के UPSC एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते तो आप क्या करते, क्योंकि आप 2017 में अभी कोई पोस्ट पे नहीं थे, तो उस समय आपके पास क्या था, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या था? मैं एक इसमें इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी SSC का एक CGL एग्ज़ाम होता है जो मैंने अपने बैकअप ऑप्शन के लिए दिया था, उसमें हो चुका था मेरा, तो उसकी ज्वाइनिंग आनी बाकी थी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास बैकअप ऑप्शंस है तो आप उसको हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहिए। देखिए, लाइफ बहुत प्रीटी बहुत रोजी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभी लाइफ बहुत क्रूअल भी होता है, तो आपको अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि जो क्रूअल फेस भी अगर आपका लाइफ का आपके साथ आपके पास हो उसको भी आप फेस कर सकें। तो जब मैं 3 साल से वहाँ तैयारी कर रहा था, नहीं हो रहा था, तो 3रे साल ही मेरे मित्र ने बोला कि तुम दूसरा एग्ज़ाम भी दे लो, क्योंकि एक एग्ज़ाम के चक्कर में 2 साल से बैठे हो, नहीं हो रहा तो फिर एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर भी हो सकता है। तो मैंने फिर मोटिवेट होकर एग्ज़ाम दिया SSC CGL की, मैंने 1 महीने तैयारी की और हो गया, उसके बाद फिर मैं UPSC दिया तो फिर UPSC भी हो गया। तो कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूँ कि अगर मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन था तो एक कॉन्फिडेंस ला रहा था कि ठीक है मेरे पास बैकअप ऑप्शन है। सेम चीज़ IAS के समय हुआ, जब मेरे पास IAS का मैं इंटरव्यू देने गया तो आई न्यू कि आई वॉज ऑलरेडी इन IPS, तो आई वॉज सो कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं भी हुआ था, बट आई वॉज वेरी मच काम एंड कम्पोज, इसलिए मुझे मार्क्स भी आ गए। तो ये बैकअप ऑप्शन हमेशा फायदा करता है, सर। UPSC में टोटल देखा जाए तो पर ईयर 800 से 1000 ऐसे वैकेंसी होती है, बट अपीयर करने वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो 4 से 5 लाख के बीच होते हैं, बट सिलेक्शन सिर्फ 800 से 1000 का ही होता है, तो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता उनको आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, UPSC जो है आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा दिया है, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 6 है, अदर रिजर्व कैटेगरीज के लिए ज़्यादा है, तो आपके पास मौका है। पहले तो अगर आप मान लीजिए उस 800 से 1000 लोगों में नहीं सेलेक्ट हुए तो अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। अगला अटेम्प्ट ये मान के चलिए कि मेरे लाइफ का लास्ट अटेम्प्ट है ये, इसके बाद मैं नहीं दूंगा, ये मान के चलिए। हो सकता है उस अटेम्प्ट में भी आपका सिलेक्शन ना हो, सकता है आखिरी अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो, बट अगर आप वो मान के चल रहे हैं तो आपके अंदर एक अंदर अलग सा मोटिवेशन फैक्टर रहेगा कि नहीं बस मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये मेंटालिटी लेके चलेंगे तो फिर आप अच्छे से मेहनत करेंगे। और अच्छे से मेहनत का मतलब एफिशिएंट मेहनत, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रोबोट के जैसे एक रूम में बंद होकर के पढ़िए, नहीं, आप लाइफ को एक्सप्लोर करते हुए पढ़िए। बहुत सारे मेरे मित्र थे जो घूमते फिरते पढ़ते थे, जैसे उनको पढ़ रहे टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में तो मंदिर घूमने चले गए, भुवनेश्वर चले गए या मध्य प्रदेश चले गए और वहाँ से पढ़ के सीख के आए, फिर और जाके अच्छे से पढ़े और फिर फाइनली सेलेक्ट भी हुए। तो आपका कोई एक हॉबी है उसको आप परस्यू करते हुए पढ़ाई कीजिए। देखिए, पढ़ाई बहुत अच्छा लगेगा, आपको स्ट्रेस नहीं फील होगा और 10 घंटे में जो भी आप पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो जाएगा। 10 घंटे मतलब पढ़ाई सब करना ही, मतलब 10 घंटे मैं स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ अपने हिसाब से। हो सकता है कुछ लोग जो बहुत इंटेलिजेंट हैं उनको 5 से 6 घंटे की ज़रूरत पड़े, मैं एक स्टैंडर्ड
एक पैटर्न बता रहा हूँ जो फॉलो करते हैं, जो बाहर भी लोग पढ़ते हैं वही 10 घंटे का एक स्टैंडर्ड पैटर्न सब फॉलो करते हैं। सर, आजकल सोशल मीडिया का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो क्या एक यूपीएससी एस्पिरेंट को सोशल मीडिया का प्रयोग करना चाहिए? डिपेंड करता है आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अगर आप फेसबुक खोल रहे हैं और फेसबुक में अगर आप बस फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं या फोटोज़ देख रहे हैं तो उससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा। एक मेरे मित्र ने मुझे एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था, मैंने फेसबुक में, मेरा फेसबुक हमेशा ऑन रहा, मैं फेसबुक पे जितने भी न्यूज़ चैनल्स के पेजेस हैं मैंने सबको लाइक कर रखा था। तो जब भी मैं फेसबुक खोलता था, दिन में 3 से 4 बार मैं फेसबुक खोलता था, जब भी मैं खोलता था देखता था पूरा फीड में न्यूज़ आ रहा है और मैं देखता था ऐसे न्यूज़ क्या, ये न्यूज़ तो मैंने आज पढ़ा नहीं है। तो फिर मैं जाके न्यूज़पेपर में गूगल मार के देखता था ये न्यूज़ आज आ गया है कि आज के न्यूज़पेपर में, तो पता चला अच्छा आज के न्यूज़पेपर में नहीं आया, ये कल के न्यूज़पेपर में आने वाला है। तो लेकिन प्रिंट मीडिया में आ चुका ऑलरेडी, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ चुका ऑलरेडी। तो इस तरीके के काफ़ी इंस्टेंसेस हुए, तो मुझे लगा कि नहीं, सोशल मीडिया का मैंने सदुपयोग करके बस न्यूज़ फीड में आपके न्यूज़ आर्टिकल्स ही आ रहे थे, तो इस तरीके से पैटर्न आप बना लीजिए तो फिर आपका फ़ायदा होगा। लोग कर सकते हैं, काफ़ी लोग करते हैं ये, 8 से 10 न्यूज़पेपर के पेजेस जो अच्छे स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स हैं उसको फॉलो कर लीजिए और आपके फिर आपके फीड में आपके फ्रेंड्स के फोटोज़ नहीं आएंगे, वो न्यूज़ का एक कोई 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 ना कोई रिपोर्ट आता रहेगा, ये फ़ायदा कर सकते हैं। सर, जब आप यूपीएससी क्लियर किए और आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए, तो उसके बाद आपने अपने सामाजिक परिवेश में क्या कुछ बदलाव महसूस करा है? मैंने अभी तक इसमें कोई बदलाव महसूस नहीं किया है, मतलब जो मैं जैसा था पहले आज भी वैसा ही लोग मुझे परसीव करते हैं। आज भी अगर मैं कुछ गड़बड़ करूँ तो मम्मी या पापा डांट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई खास परिवर्तन नहीं है। बस ये है कि मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी बहुत बढ़ गया है। मैं चीज़ों को, जैसे जब मैं इस सर्विस में नहीं था तो मैं चीज़ों को जैसे लेता था, मैं उस तरीके से नहीं ले सकता हूँ। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मन में होनी भी चाहिए अगर आप सर्विस में आए हैं तो इन द लॉन्गर रन से फ़ायदा भी होना चाहिए सोसाइटी को, क्योंकि अगर मेरे कारण इस सोसाइटी को फ़ायदा नहीं हो रहा तो मेरा इस सर्विस में आने का कोई औचित्य नहीं है, तो इसी तरीके से चलेगा। सर, आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने पर्सनल लाइफ और ये सर्विस लाइफ में कैसे समन्वय स्थापित कर पाते हैं? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, खासकर अगर आप मैरिड हो तो इसमें पर्सनल लाइफ में, पर्सनल स्पेस में आपको अपनी परिवार को, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने मम्मी पापा को, सबको टाइम देना होगा। और अगर आपकी फैमिली, जैसे मेरी वाइफ को समझ में आ जाता है कि आज इसको ऑफिस में लेट होने वाला है क्योंकि ये कहीं किसी इंपॉर्टेंट काम से गया है, तो अगर, तो मेरी वाइफ थोड़ी समझदार है तो मुझे इस तरह की दिक्कत नहीं होती है कि कहीं समन्वय स्थापित करना पड़े। तो और घर पे मैं जैसे फाइल करता हूँ तो वो होता है कि आपका प्रोफेशनल लाइफ है, मतलब गोपनीय हमारा चलता है ऑफिस, तो आवास में ही चलता है गोपनीय ऑफिस, तो जब भी बहुत समय ऐसा होता है जब अर्जेंट फाइल्स होते हैं जो आपको उसी समय साइन करना है और उसको इमिडिएटली ऑर्डर निकालना है, वैसे केसेस में भी लोग घर वाले समझ जाते हैं कि नहीं अभी अर्जेंट है कुछ, तब ये बैठ के यहाँ पे फाइल कर रहा है। अदरवाइज़ आपका जो टाइम फिक्स है, जैसे नॉर्मल डे में जो 10 से 6 का टाइम है उस समय आप आराम से ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं और बहुत इजीली हो जाता है, और घर पे आप आराम से अपने परिवार को समय दे सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप घर पे अगर समय भी दे रहे हैं परिवार को तो आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलते रहता है कुछ ना कुछ काम का, और ये ज़रूरी भी है, होना भी चाहिए, नहीं तो मैं मानता हूँ कि ये आपका सीरियसनेस टुवर्ड्स योर जॉब दिखाता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज इज़ नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ सर्विस फॉर आवर सोसाइटी। और मैं अगर घर पे जाके बैठा हुआ हूँ, पर्सनल टाइम में भी मेरे दिमाग में कुछ ऐसा स्कीम के बारे में कोई कुछ कारण पृच्छा मेरे दिमाग से ही चल रहा है कि अच्छा इसमें हम क्या और बेहतर कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, आपको परिवार को भी थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में अगर आप परिवार को अच्छा समय नहीं देते हैं तो फिर ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। फैमिली वैल्यू सिस्टम जो है उसको स्ट्रांग भी करना ज़रूरी होता है। सर, एक जिला जो कि अनुमंडलों से मिलकर बना होता है और अभी आप डेहरी अनुमंडल के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, तो डेहरी के विकास के लिए, डेहरी के बेहतरीन के लिए आप क्या कुछ स्टेप्स उठाएंगे? सर, डेहरी सोन नदी के किनारे बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत अनुमंडल है। यहाँ पर मैं जब भी ऑफिस आता हूँ मैं देखता हूँ कि सोन नदी के किनारे पार्क्स बने हुए हैं। तो मैंने एक बार बात की अपने स्टाफ लोगों से और मैं जो भी अदर एजेंसीज हैं सबसे मैं एक बार बात कर रहा था, तो हम लोग कुछ ब्यूटिफिकेशन पर्पस से उस पार्क्स में कुछ करना चाह रहे हैं। तो मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ हैं, क्योंकि जस्ट अभी मैं आया हूँ, कुछ आइडियाज़ हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया कुछ लोगों से, और अगर सब कुछ सही रहा तो मेरे टेन्योर में मैं चाहूँगा कि वो जो आइडियाज़ इम्प्लीमेंट हो जाए धरातल पर।
दूसरा है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, स्पेशली रनिंग ट्रैक्स। रनिंग ट्रैक का दो फायदा है, एक तो जो लोग व्यायाम करते हैं उनसे उनका हेल्थ बहुत अच्छा होता है, दूसरा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जैसे दरोगा की भर्ती हो गई, सिपाही की भर्ती हो गई, आर्मी की भर्ती, एयरफोर्स की भर्ती है, नेवी की भर्ती है, तो उसमें फिजिकल फिटनेस होनी बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ सुबह सुबह दौड़ते हैं, तो अगर एक अच्छा ट्रैक बन जाए यहाँ पे, जहाँ पे ट्रैक पे वो दौड़ें और अपना रेगुलर बेसिस पे अपना इम्प्रूवमेंट करते रहें अपने फिजिकल फिटनेस लेवल पे, तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैं ये दो चीज़ पे फोकस करूँगा। सर, जाते जाते इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे एक मौका मिला आपके एस्पिरेंट्स से बात करने का। दो चीज़ें हमेशा याद रखिए, लाइफ में UPSC ही सब कुछ नहीं है। अगर आपका नहीं सिलेक्शन होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ का द एंड है वो। हो सकता है आप और बेहतर कर सकते हैं किसी और चैनल से जा करके। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं हैं जॉब को करने के लिए, सर्विस को करने के लिए, तो इस सर्विस में आने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप एक सीट को बर्बाद ही करेंगे। तो एक अंदर से मोटिवेटेड रहिए कि हाँ मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, आई हैव टू गिव बैक टू माई सोसाइटी, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो ये दो फैक्टर अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपका UPSC क्लियर भी होगा, और आपके UPSC क्लियर करने से हमारे राज्य को, हमारे राष्ट्र को फ़ायदा भी होगा। अभी आप सुन रहे थे डेहरी के SDM समीर सौरभ सर को। ऐसे ही सीरीज एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर देखने के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।